मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा नई राय नई मंजिल में क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में पर्यटकों के लिए बोटिंग और अन्य गतिविधियों के लिए पैसा स्वीकृत किया गया था, जिसके अंतर्गत इस राशि से 12 ईफॉइल, 12 वाटर स्कीज जिसको जेट स्कीज भी कहा जाता है, 3 मोटर बोट और 12 जेटोमीटर जो वो खरीद लिए गए हैं, जिसमें से 3 वाटर स्कीज, 1 जेटोमीटर्स और 2 मोटर बोट जो है वो पोंग बांध को इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पहुँचा दिया गया है। जैसे ही हिमाचल सरकार हमें पर्यटन गतिविधियाँ आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान करती है, शीघ्र ही क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में पर्यटकों के लिए बोटिंग व दूसरी अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियाँ भी जो शुरू कर दी जाएंगी। पहले इस केंद्र द्वारा जो है वो केवल मात्र प्रशिक्षण ही प्रदान किया जाता था, परंतु अब शीघ्र ही जो पर्यटक हैं वो इन खेल गतिविधियों का जो है वो आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में जेट स्कीज, जेटोवेटर और ये इस तरह की जो खेले हैं ई फॉइलिंग, वो अभी नॉर्थ इंडिया में कहीं भी ये सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। और हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जो इन खेलों को और इस तरह का इक्विपमेंट उसने खरीद की है, और लोगों को जो इन खेलों को करने के लिए गोवा या केरल वगैरह में जाना पड़ता था, वहाँ पर ही ये लिमिटेड जो है वो ये खेलें मौजूद थी। अभी जो है वो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जल्दी शुरू कर दी जाएगी। इस संदर्भ में हमारे निदेशक कर्नल नीरज राणा जी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, उनके निर्देशन में ही ये पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके द्वारा ही ये सारी परचेज की गई है, और उनका ये एक विजन है कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में, तत्तापानी में और लार्जी डैम में ये शीघ्र ही गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। और इसके बाद उनका ये भी प्रयास है कि यहाँ पर जो है वो हॉट बैलूनिंग और ह्यूमन कैटापुल जैसी जो रोमांचक एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ, जैसे ही सरकार से हमें इसके लिए धन उपलब्ध होगा, वो भी जो है वो उनका प्रयास है डायरेक्टर महोदय का कि वो भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएं, ताकि ये एक एडवेंचर का जो है वो हब बन सके।